हाय फ्रेंड, वेलकम टू विद द डॉट इन। आज हम दिल्ली के चार रिनाउन कॉलेजेस, फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल, न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिम्स रोहिणी एंड जयपुर या नोएडा को कंपेयर करेंगे, इनके पीजीडीएम प्रोग्राम को कंपेयर करेंगे, रिव्यू करेंगे। इन सभी कॉलेजेस के बारे में और डिटेल में जानकारी के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप उस पर क्लिक करके इन सभी कॉलेजेस के बारे में और डिटेल में जान सकते हैं। और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप मेरे से 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, जिसका फॉर्म मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सभी डाउट्स, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर हम आपको जल्दी से जल्दी दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन कोर्सेज, कॉलेजेस, करियर एंड स्कॉलरशिप्स, सब्सक्राइब vidya.in। सबसे पहले हम फर्स्ट टाइम एनडीआईएम, जिम्स रोहिणी एंड जयपुरिया के बारे में थोड़ा ब्रीफ में जान लेते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करें तो 2007 का एस्टैब्लिशमेंट है, AICTE अप्रूव्ड ये कॉलेज है। द्वारका सेक्टर 9 में इसका कैंपस बना हुआ है, जो कि लगभग 5 एकड़ के एरिया में बना हुआ है, और आपको कैंपस में सभी फैसिलिटीज विद इन दी कैंपस मिल जाती हैं। अगर हम एनडीआईएम की बात करें तो 1992 का एस्टैब्लिशमेंट है, ये कॉलेज AICTE, NBA, AIU अप्रूव्ड है, और उसके साथ साथ इसकी NIRF रैंक MBA के लिए 99 है। ये साउथ दिल्ली में लोकेटेड है, कालकाजी में इसका कैंपस बना हुआ है, और लगभग 1 एकड़ से कम एरिया में इसका कैंपस बना हुआ है, बट कैंपस में आपको सभी फैसिलिटीज मिलती हैं। अगर हम जिम्स रोहिणी की बात करें तो ये 1993 का एस्टैब्लिशमेंट है, ये भी AICTE, NBA, AIU अप्रूव्ड कॉलेज है, और इसकी NIRF रैंक MBA के लिए लगभग 82 है, और ये कॉलेज रोहिणी सेक्टर 5 में सिचुएटेड है, और जिम्स रोहिणी में भी आपको सभी फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। और जयपुर या नोएडा का कैंपस सेक्टर 62 में बना हुआ है, 2004 का एस्टैब्लिशमेंट है, और ये भी AICTE, NBA, AIU अप्रूव्ड है, NIRF रैंक 47 है, और कैंपस लगभग 4 एकड़ के एरिया में बना हुआ है, जिसमें आपको सभी फैसिलिटीज विद इन द कैंपस मिल जाती हैं। अब हम इन चारों ही कॉलेजेस के पीजीडीएम स्पेशलाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइम की बात करें तो यहां से आप फाइनेंस, HR, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, ऑपरेशंस, इंटरनेशनल बिजनेस एंड कैपिटल मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशन से पीजीडीएम कर सकते हैं। एनडीआईएम से आप फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, इंटरनेशनल बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स जैसे स्पेशलाइजेशन से एमबीए कर सकते हैं, सॉरी पीजीडीएम कर सकते हैं। और अगर हम जिम्स रोहिणी की बात करें तो यहां से भी आप इंटरनेशनल बिजनेस, रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, बिजनेस एनालिटिक्स जैसे स्पेशलाइजेशन से पीजीडीएम कर सकते हैं। और अगर हम जयपुर या नोएडा की बात करें तो जयपुर या नोएडा में भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिटेल मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआर, सर्विस मैनेजमेंट जैसे स्पेशलाइजेशंस मिलते हैं। अब हम इन चारों ही कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइमर की बात करें तो फर्स्ट टाइमर के पीजीडीएम कोर्स की कंप्लीट फीस अप्रोक्स 9,50,000 की है, और यहाँ की हॉस्टल फीस अप्रोक्स 1,25,000 की है। अगर हम एनडीआईएम की बात करें तो यहाँ के पीजीडीएम कोर्स की कंप्लीट फीस अप्रोक्स 10,50,000 की है, और यहाँ की हॉस्टल फीस अप्रोक्स 1,10,000 पर एनम की है। जिम्स की पीजीडीएम की फीस अप्रोक्स 9,25,000 की है कंप्लीट कोर्स की फीस, और यहाँ की हॉस्टल फीस अप्रोक्स 1,50,000 पर एनम की है। और अगर हम जयपुरिया की बात करें तो यहाँ के पीजीडीएम कोर्स की फीस 14,50,000 की है कंप्लीट कोर्स की, और यहाँ की हॉस्टल फीस अप्रोक्स 1,25,000 की है। तो इन चारों ही कॉलेजेस में अगर हम देखें तो जिम्स रोहिणी की फीस सबसे कम है और जयपुरिया की फीस सबसे ज्यादा है। अब हम इन चारों ही कॉलेजेस के एडमिशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। अगर हम फर्स्ट टाइमर की बात करें तो ग्रेजुएशन में 60% अलग मार्क्स होने पर उसके साथ साथ कैट, जैट, जीमैट, सीमैट के स्कोर के बेसिस पे आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर हम जयपुरिया की बात करें तो यहां पर भी मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में एक वैलिड स्कोर होने के साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में 65% अलग मार्क्स भी होने चाहिए। अगर हम एनडीआईएम की बात करें तो ग्रेजुएशन में 55% अलग मार्क्स होने पर उसके साथ साथ मैट, सीमेट, एनमेट के स्कोर के बेसिस पे आप यहां पर एडमिशन ले सकते हैं। अगर हम जिम्स की बात करें तो ग्रेजुएशन में 60% अलग मार्क्स होने पर उसके साथ साथ मैनेजमेंट एंट्रेंस एग्जाम में एक वैलिड स्कोर होने पर आप यहां पर एडमिशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। अगर हम फर्स्ट टाइमर के प्लेसमेंट की बात करें तो कॉलेज अपना हाईएस्ट प्लेसमेंट 25 लाख पर एनम
और एवरेज प्लेसमेंट 10 लाख पर एनम का क्लेम करता है। यहां से आपको एक्सिस बैंक, नौकरी, आईडीएफसी बैंक, ब्लैक रॉक जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट मिल सकता है। एनडीआईएम अपना हाईएस्ट प्लेसमेंट 16 लाख पर एनम का क्लेम करता है और एवरेज 8 लाख पर एनम का क्लेम करता है। यहां से आपको टेक महिंद्रा, कोलगेट, रिलायंस, एसेंचर, स्पाइसेट जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट मिल सकता है। जिम्स अपना हाईएस्ट प्लेसमेंट 22 लाख पर एनम का क्लेम करता है और एवरेज 8.10 लाख पर एनम का क्लेम करता है। यहां से भी आपको अमूल, एयरटेल, आईसीआईसी बैंक, यामा जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट मिल सकता है। अगर हम जयपुरिया नोएडा की बात करें तो जयपुरिया नोएडा अपना हाईएस्ट प्लेसमेंट 22 लाख पर एनम और एवरेज प्लेसमेंट लगभग 12,34,000 पर एनम का क्लेम करता है। और यहां से भी आपको एचडीएफसी बैंक, एससीएल, एशियन पेंट्स, आईसीआईसी बैंक जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट मिल सकता है। तो अगर हम इन चारों ही कॉलेजेस के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो फर्स्ट टाइम बिजनेस स्कूल के जो ओनर हैं वो आई एम अहमदाबाद से पास आउट हैं, आई एम अहमदाबाद के एलुमनाई हैं, तो उन्होंने फर्स्टाइमा का एक काफी अच्छा ब्रांड डेवलप किया है, काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू बनाई है जो कि आपको यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टीज में भी देखने को मिलती है। आप यहां से अगर पीजीडीएम करते हैं तो लगभग 7 से 8 लाख का एवरेज प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 120+ रिक्रूटर्स ऑनबोर्ड हैं, बट फर्स्टाइमा का एक निगेटिव पॉइंट ये है एआईयू अप्रूव्ड नहीं है और उसके साथ साथ इसकी कुछ खास रैंकिंग भी नहीं है। अगर हम एनडीआईएम की बात करें तो साउथ दिल्ली कालका जी में लोकेटेड है, काफी रिनाउंड मैनेजमेंट कॉलेज है और एनबीए, एनआईयू और एनआईआरएफ अप्रूव्ड है। यहां से भी पीजीडीएम करके आप लगभग ऑन एन एवरेज 7 से 8 लाख का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिम्स रोहिणी भी एनबीए, एआईयू, एनआईआरएफ अप्रूव्ड है, यहां से अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो लगभग 7 से 9 लाख का प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ की भी फैकल्टीज काफी एक्सपीरियंस हैं, सभी फैसिलिटीज भी आपको यहाँ पर मिलती हैं। और यहाँ से अगर आप पीजीडीएम करते हैं तो आपको मार्केटिंग, कंसल्टिंग, एफएमसीजी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जैसी फील्ड्स में प्लेसमेंट आसानी से मिल सकता है। अगर हम जयपुरिया नोएडा की बात करें तो यहाँ की फीस इन तीनों ही कॉलेजेस से ज्यादा है, लगभग 14 से 15 लाख में आपका यहाँ से पीजीडीएम कंप्लीट होता है और आप यहाँ से ऑन एन एवरेज 8 से 9 लाख का प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक्सीलेंट लोकेशन है, फैकल्टीज भी आपको अच्छी मिलती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक ठाक है और जयपुरिया भी एनबीए, एआईयू, एनआईआरएफ अप्रूव्ड है और लगभग 200+ कॉर्पोरेट्स यहां पर प्लेसमेंट के लिए ऑनबोर्ड हैं। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो फर्स्टाइमा, एनडीआईएम, जिम्स रोहिणी एंड जयपुरिया नोएडा चारों ही रिनाउंड कॉलेजेस हैं, चारों की ब्रांड वैल्यू, प्लेसमेंट काफी अच्छा है और काफी डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑफर करते हैं। तो इनमें में से एक सिलेक्ट करना डेफिनेटली एक डिफिकल्ट टास्क है, बट आपको ध्यान में यह देना है कि आपकी प्रोफाइल को क्या सूट करता है, आप जिस स्पेशलाइजेशन से पीजीडीएम कोर्स करना चाहते हैं वो स्पेशलाइजेशन इनमें में से चारों कॉलेजेस में उस स्पेशलाइजेशन का प्लेसमेंट किस कॉलेज में अच्छा है। उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपके एकेडमिक्स क्या है, आपका बजट क्या है। अगर आपको बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ऑब्वियस है कि आप जयपुर या नोएडा को डेफिनेटली चूज कर सकते हैं, अदरवाइज जिम सोहनी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप हमारे इस वीडियो से आपको इन चारों ही कॉलेजेस की डिटेल इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि इनमें से किस कॉलेज से आपको पीजीडीएम करना चाहिए। अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आया हो तो आप मेरे से काउंसलिंग सपोर्ट ले सकते हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स हमसे क्लियर कर सकते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।